कि वो कौवा वहां झाड़ पे बैठा था, कागड़ो झाड़ पर बैठो तो नीचे सियाड़ हतो। फिर सियाड़ ने क्या बोला था, उस सियाड़ ने बोला, कागड़ा भाई मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तुम तो बहुत अच्छे से गाते हो, तुम्हें बहुत सरस मजा नु गीत गाओ छो, तो मने तुम्हारो गीत संभाओ ने आऊ की तो खबर से ऐसे बोला था ना। हाँ, फिर कौवा गाने लगा और उसके चोंच से पूरी नीचे गिर गई, और नीचे गिर गई। फिर लोमड़ी ने क्या करा, बराबर, फिर वो भाग गया। बराबर, अपने अब यहां से आगे क्या होता है वो कहानी अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? आगे ठीक है। फिर कौवा तो भूखा रह गया, फिर कौवे ने क्या करा होगा बताओ, उसने अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करा होगा, कागड़ा है भूख मटाना माटे शू करी उसे बताओ, कोई बताएगा? कौवे ने क्या करा होगा बताओ। हाँ, कैसे मिटाई? कौवे के पास जो चोंच में पूरी थी वो पूरी तो सियाड़ ले गया, लोमड़ी ले गया। कहाँ है वो लोमड़ी, कहा ना अपने बताई थी वहां। हाँ हाँ, तो वो ले गया, तो फिर क्या हुआ होगा बताओ, फिर कौवे ने भूख मिटाने के लिए क्या करा होगा? हाँ, घुमा, ठीक है। फिर उसने क्या करा होगा आप बताओ, क्योंकि कौवे को भूख तो लगी थी ना कौवे को, इसीलिए तो वो लड़की के हाथ से पूरी उठा के वो जंगल में जाकर बैठा था कि कोई उसके हाथ से पूरी ना खींच के ले जाए। तो क्या करा होगा फिर कौवे ने? हाँ बोलो बोलो बेटा, बहुत अच्छे बोलो। वो घूमा फिर, हाँ नहीं वो तो बराबर है, फिर सियार तो लेकर भाग गया ने। हाँ, तो कौवा तो भूखा रह गया, कौवा भूखा नहीं रह गया, कौवा भूखा रह गया था, तो कौवे ने फिर अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करा होगा? हाँ, खाने गया, लेकिन फिर क्या हुआ आप बताओ, कौवे ने अपनी भूख कैसे मिटाई होगी? देखे बराबर समझिए, पहले कौवा भूखा था है, उसने लड़की से हाथ से पूरी ले ली, फिर जंगल में जाकर बैठा, फिर वो लोमड़ी पूरी ले गया, तो सियार था वो पूरी ले गया, ठीक है। तो फिर कौवा तो भूखा ही था, तो कौवे ने अपनी भूख मिटाने के लिए फिर क्या करा होगा? खेलना पड़ा, मतलब ये क्या बोलते, मतलब नहीं ये कुछ बोलता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं बेटा। वो वापिस से वहां गया, वो लड़की के घर के पास, वो लड़की बाहर पूरी वापिस से खा रही थी, तो कौवे ने क्या करा, वापिस से वो पूरी ली और वापिस से ले गया। फिर वो वापिस पेड़ पे जाकर बैठा, वो सियार नीचे था वापिस। अब बताओ, अब सियार को भी भूख लगी थी, अब सियार ने क्या करा होगा वो बताओ। वापिस से ऐसे करा होगा तो क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या कौवे ने वापिस से गीत गाना शुरू कर दिया होगा? वापिस से थोड़ी एक बार, हाँ रेनुमान देखो बहुत अच्छे से बता, कोई एक बार इस तरह अपने हाथ से पूरी ले जाए तो क्या अपने वापिस वो करेंगे? वापिस नहीं करेंगे। तो अब कौवे ने क्या करा होगा बताओ, क्योंकि अब वापिस कौवा पूरी लेकर आया, खुद को उसको खाना था। सियार ने तो वापिस बोला, भाई तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे मुझे सुनाओ, तो क्या कौवे ने वापिस आवाज सुनाई? हाँ वो बेटा पहली बार, पहली कहानी थी, अब ये दूसरी कहानी है, वो कहानी पहली थी, अब दूसरी कहानी में क्या हुआ होगा बताओ, अब कौवे ने क्या करा होगा ताकि पूरी वो सियार ले ना जाए? पहली कहानी में क्या होता है, कौवे वो लोमड़ी आई, सियाड़ आया और बोला गाने को, गीत गाओ, तो उन्हें गाया, वो पूरी लेकर भाग गया। अब वापिस कौवा पूरी लेकर आया तो सियार वापिस बोलता है कि तुम गीत गाओ, तो क्या कौवा थोड़ी ना वापिस गीत गाएगा, वो थोड़ी बुद्धू है,
एक बार तो वो सियार बुद्धू बना के ले गया पूरी, तो अब कौए ने क्या करा होगा बोलो, कोई बताओगे? अब कौए ने क्या करा होगा ताकि वो पूरी ना ले जाए? हाँ नहीं है, क्या करा होगा कौए ने? ना पेड़ पर तो बैठा ही था। अब कौए ने क्या बोला पता है? सियार ने ऐसे बोला, अरे कागड़ा भाई तमारो आवाज तो बहुत सरस से, एक सरस मजानो गीत गाओ ने। तो कौए ने क्या करा पता है? अपने चोंच में जो पूरी थी ना, वो पूरी नहीं, वो पूरी अपने पैर अपने अपने पांव के नीचे दबा दी, फिर गीत गाने लगा का 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 का। अब बताओ पैर के नीचे दबी हुई पूरी क्या नीचे गिरेगी? नहीं। उसने गीत गा लिया, फिर वो कौवा ने पूरी खा ली। और इस बार कौन भूखा रह गया? सियार भूखा रह गया इस बार। पहली बार कौन भूखा रहा था? पहली बार कौन भूखा रहा था? पहली बार कागड़ा, बहुत अच्छे कागड़ा। दूसरी बार कौन भूखा रहा? सियार। लेकिन सियार मैंने उस दिन की कहानी में ही बताया था कि सियार बहुत चतुर होता है, बहुत होशियार होता है। उसने हार नहीं मानी, यानी कि हार ना मानी। उसने कागड़े को क्या बोला पता है? कौए को क्या बोला पता है? अरे कागड़ा भाई तुम्हारी तुम्हारे तुमने तुमने जो गीत गाया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम करो ना, तुम नाच के भी बताओ ना मुझे। सियार तो बहुत चतुर होता है बेटा, होशियार होता है। उसको किसी भी तरह पूरी लेनी थी, तो सियार ने वापिस से बोला कि तुमने गीत तो गा लिया, अपने वो पूरी अपने पांव के नीचे से दबा के पगनी नीचे दबाई ने तुम्हें पूरी तो खाई ली थी, अरे वो गीत तो गाई ली तू, पर अभी एक काम करो ना, तुमने इतना अच्छा गीत गाया तो थोड़ा नाच के भी दिखाओ। तुम तो कितना अच्छे से नाचते हो, समझ रहे हो? अरे तुम तो कितना अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छा नाचते हो। मैंने तुम्हारे तुम जैसे नाचते हो ऐसे मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं है। मैं क्या ही नहीं जो तुम्हारा जो नाचता कोई नहीं, मैंने मस्त नाची ने बताओ ने। सियाड़े तो आऊ कीधु तो कौए को वापिस ऐसा लगा, अरे मैं इतना अच्छा नाचता हूं। तो वो भूल गया कि उसके पांव के नीचे पूरी थी, भूली गयो एना पग नीचे पूरी दबाई थी, और वो अपनी टांग उठा के नाचने लगा इस तरह। और जैसे ही उसने अपनी टांग उठा के नाचने लगा, वैसे ही क्या हुआ? पूरी वापिस से कहां गिर गई? नीचे। और सियार ने क्या करा? वापिस से लेकर भाग गया। देखो समझ रहे हो, सियार बहुत होशियार होता है। पहली बार कौए को उसने कौए को बुद्धू बनाया, कौआ ने मूर्ख बनाई, मूर्ख बना दिया। तो दूसरी बार कौए ने सोचा इस बार तो मैं पूरी नहीं छोड़ूंगा, तो उसने अपने पग उसके पग के नीचे दबा दी। तो सियार वापिस से होशियार था। देखिए ये रहा सियार, ये बहुत चतुर होता है, होशियार होता है। हाँ ये है ये। तो उसने वापिस से बोला, अरे भाई तुम तो इतना अच्छा नाचते भी हो, हैं? हाँ ए आपसे तमने ए आपी देसे तमने बराबर ए एमने इतना समझी ने आपी देसे तमने मारा। तो बोलो फिर शेयर में चतुर था वो, वापिस से अपने अपने दिमाग का दिमाग उसने दिमाग लड़ाया और वापिस से उसकी पूरी लेकर भाग गया। कौआ वापिस कैसे रह गया? भूखा। अब कौए ने क्या करा होगा बोलो, कोई बताएगा? अब कौए ने क्या करा? वो तो वापिस भूखा रह गया, वो सियार वापिस से पूरी लेकर चला गया। तो अब कागड़े ने क्या करा होगा बताओ, बोलो क्या करा होगा? बोलिए, आप जितना बोलोगे उतना अच्छा। बोलो मेरे साथ बात करो, मैं वही तो बोल रहा हूं, आपस में बात मत करो, मेरे साथ बात करो। अब कौए ने क्या करा होगा? अभी भी उसकी भूख, अभी तो उसने पूरी खाई नहीं, उसको बहुत भूख लगी थी। अब क्या करा होगा बताओ, कोई बताएगा अब क्या करा होगा?
बहुत अच्छे, ताली बजाओ अलीजा के लिए। हाँ। अभी उसकी भूख मिटी नहीं थी, यानी भूख खरास नहीं थी, वो वापिस से गया वहां, वापिस से पूरी लेकर वहां जाकर बैठा। अब बताओ अब क्या हुआ होगा, वो वापिस से पूरी लेकर वो झाड़ पे जाकर बैठा। बेटा नियाज अभी वो रहने दो, अभी मुझे जवाब दो, अब क्या करा होगा। कौवा वापिस से पूरी लेकर वहां जाकर बैठा, अब क्या करा होगा बताओ, सियार ने क्या करा होगा, अब बोलो कोई बताएगा, सियार ने क्या करा। हाँ बोलो बेटा, समझ सुनो, सुन बेटा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ वो सब तो हो गया, अब वापिस कौवे ने बोला, अरे वो सीआर ने बोला, अरे कागड़ा भाई कागड़ा भाई, वो वापिस उसको पूरी चाहिए थी, अभी उसकी भूख, सीआर की भी भूख मिटी नहीं थी, उसने वापिस से कहा कागड़ा भाई अरे तुम वापिस आ गए पूरी लेकर, ठीक है। उसने सीआर ने क्या बोला पता है, अभी और कहानी आगे बढ़ती है, देखिए और कहानी आगे बढ़ती है। उसने बोला अरे कागड़ा भाई तमे तो बहुत सरस मजानू गाओ छो, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें आटलू सरस नाचो छो, इतना अच्छे तुम नाचते हो, वापिस से एक बार गाना और नाचना दोनों हो जाए। तो क्या कौवे ने वापिस से नाचना शुरू कर दिया होगा, अब कौवे ने क्या करा होगा बताओ। हाँ अरे फिर से थोड़ी ना वो नाचेगा, एक बार तो वो नाचा तो पूरी ले गया, तो अब कौवा भी होशियार है, वो समझ गया कि मैं नाचूंगा तो पूरी नीचे गिर जाएगी, वो ले जाएगा। तो अब कौवे ने सोचा, क्या सोचा होगा कौवे ने बताओ, वो पूरी सियार न ले जाए इसलिए काकड़े ने क्या करा होगा बताओ। अब क्या करा होगा काकड़े ने बताओ, वो तो भाग गए ना, लेकिन अब काकड़े ने क्या करा होगा अपनी पूरी बचाने के लिए, कोई बताएगा। हाँ हाँ नियस क्या करा होगा बोलो, अब काकड़े ने क्या करा होगा, उसने क्या करा काकड़े ने पता है, पहले गीत गाने के लिए वो पूरी पग के नीचे दबा दी, फिर गीत गाया, फिर नाचने के लिए वो पूरी वापिस से अपनी चांच में ले ली और फिर नाचने लगा, ताकि गीत भी गाया और पूरी नीचे ना गिरी और नाचा भी करी, वो भी पूरी ना गिरी, उसने वो पूरी ने अपने चोंच में दबा के फिर नाचा, समझे। और फिर सियार ने सोचा कि अब मैं कैसे पूरी पढ़ाऊं, तो कागड़े ने क्या बोला पता है, कागड़े ने बोला ए सियार भाई, सियार भाई अब तुम मेरे हाथ से मेरी चोंच से पूरी नहीं ले जा पाओगे, अब मैंने सीख लिया है कि नाचते समय चोंच में पूरी दबाओ और गाते समय पग के नीचे पूरी दबाओ। और फिर कौवा वहां से पूरी लेकर किसी और पेड़ के ऊपर उड़ गया और वहां जाकर बैठ के पूरी खाई, बराबर। हाँ अभी मत खाओ, हाँ चलो समझे हैं। तो चलिए अब क्या है देखिए आगे, ठीक है अब मैं थोड़े सवाल पूछता हूं, चलो कागड़ा है पूरी पग नीचे क्यों दबाई, यानी कौवे ने पग के नीचे पूरी क्यों दबाई होगी। हाँ खड़े होकर बोलो बेटा रेणुमा, गीत गाने के लिए, बहुत अच्छा उसने गीत गाने, ताली बजाओ बेटा रेणुमा के लिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, हाँ बेटा बहुत अच्छे। फिर अब बताओ कागड़ा और सियार दोनों में से होशियार कौन है, कागड़ा के सियार आपको क्या लगता है। अच्छा आप क्या बनना चाहोगे वो बताओ, ये कबूतर बनना चाहेगा, मैं बोल रहा हूं आप कौवे और सियार में से क्या बनना चाहोगे,
कोई कौवा बनना नहीं चाहेगा? क्यों? ये कौवा बनेगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये कौवा बनेगा। शेर नहीं, कौवा और शियार में से कौन कौवा और शियार बनेगा? चलो अपने यहाँ नाटक भी करते, चलो है ठीक है। चलो अब उसके आगे क्या है अपने देखते हैं। चलो अपने वो गीत गाए थे नानी मारी आंख वाला, वो अपने शाम को गीत गाएंगे, लेकिन उसके ऊपर से मुझे थोड़े सवाल पूछने आपको, ठीक है? वो सवाल याद, वो गीत तो याद है ना, अभी शाम को वापिस से गाएंगे, लेकिन मैं कुछ सवाल पूछता हूँ वो गीत के ऊपर से। चलो पहला सवाल, मैंने एक सवाल पूछा था कि आंख नाक कान मुंह हाथ और पैर एना सिवाय अपना शरीर में कया कया अंगो छे, यानी कौन कौन से अंग होते हैं उसके अलावा, तो अपने बोले ने हाथ तो आ गया था ना, हाथ ताली बजाने के काम में आता है, तो उसके बाद वो अल्फिया ने और सब बच्चों ने बोला था गाल है, जीभ है, खपा है, पेट है, ये सब अंग है, बराबर, दांत है, बहुत अच्छे, बराबर। चलो अब मैं एक एक वाक्य बोलता हूं, वो सही है कि गलत है वो मुझे बताइएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए ये सही है कि गलत है। आपने कान थी फूल सूंघिए छे, कौन बोला गलत? बहुत अच्छे। क्या आपने कान से फूल सूंघते, नाक से सूंघते? चलो मैं दूसरा वाक्य बोलता हूं, अपने मुंह से बातें करते हैं, सही है, ठीक है। चलो अपने हाथ थी चालिए छे, सही की गलत? अपने हाथ थी चालिए छे, आ साचू के खोटू? गलत, बहुत अच्छे। अपने हाथ से नहीं चलते, पैर से चलते, ठीक है। चलो अपने नाक से सुनते हैं, ये हाँ बोलता है, अपने नाक से सुनते हैं, नाक से सुनते, कान से सुनते, बहुत अच्छे। चलो पग थी तमें कई कई रमत रमे, वो आ गया, बराबर। चलो मान लो, एक काम करो बेटा मायरा, तुम वहां से खड़ी हो जाओ और तुम वहां से खड़ी हो जाओ, बेटा तुम खड़े हो जाओ, बेटा तलहा तुम बेटा वहां चले जाओ, तुम यहां आ जाओ, कब से बेटा बातें कर रहे हो तुम लोग, यहां बैठ जाओ। मायरा तुम तीनों को, अब मैं अब बातें कर रही हूं तो तुम तीनों को अलग बिठाऊंगा, अब बातें नहीं, मेरी बात का जवाब दो, मैं जो सवाल पूछता हूं ना उसका जवाब दो बेटा। तुम इसी तरह अंदर अंदर बातें करते रहोगे तो कैसे चलेगा, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे कान होते ही नहीं तो हम सुन नहीं सकते, बराबर। अगर मान लो किसी के कान ना हो तो वो बात किस तरह करेगा? कान से तो करेंगे, लेकिन बात किस तरह करेगा? वो मुंह से ही, बराबर है, ठीक है। कान नहीं है तो क्या हुआ, अपने कान मान लो ना हो तो बात तो किस तरह करनी है? मुंह से ही करनी है, ठीक है। अगर मान लो किसी की आंख ना हो, देख तो नहीं सकते, बराबर, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? चल के जाएगा, बराबर है, लेकिन किसकी मदद से जाएगा, किसकी मदद लेगा? वो इंसान की मदद लेगा, फिर या फिर लकड़ी की मदद लेगा। अपने एक टीचर है, पता है उनको, दिखता नहीं है, अपने अपने स्कूल में है एक टीचर, देखे वो उस बाजू बैठते, उसको उनको दिखाई नहीं देता, तो वो खुद से अपना काम सब कुछ करते, दिखाई नहीं देता फिर भी है। अगर मान लो यहां मैं एक खेल खिलाऊं, अगर तुम्हारी आंखें बंद कर दूं तो देखते हैं, चलिए। हाँ सुधियो है, अरुण साहब क्या से है? एक मिनट, अरुण साहब क्या से बेटा? हाँ तो इमने कहने चाहिए ना,